ठीक है। और यहाँ पे आप लोग गैस ले लेना दो फ्रेंड्स, गैस के किन द ये क्या है गैसेस है, ठीक है गैसेस के टर्म में निकाल रहे। चलिए अब देखते हैं दोनों रिलेशन। तो अब आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन केसी एंड केटी। रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन बाय पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is given by Kp is equal to P of C to the power C, P of D to the power D, P A to the power A, P B to the power B। ठीक, ये तो हमको पता है। अभी आइडियल गैस इक्वेशन हम जानते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर्मूला। तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन द पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स कॉन्सेंट्रेशन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। और वो इक्वेशन आप जानते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन पी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, ये तो हम जानते हैं। तो मैं फॉर कंपोनेंट ए, ए के लिए मैं क्या ले सकता हूं, ए के लिए मैं ले सकता हूं पी ए वी इज इक्वल टू एन ऑफ ए आर टी, लिख सकता हूं ना। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, पी ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन वी, वी यहां पे आ गया आर टी। और देखो फ्रेंड्स, हम जानते हैं जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन वो क्या होता है, मोल्स पर लीटर, कितना मोल है कितने लीटर में। अच्छा आप, मैंने मान लीजिए 200 ml में मैंने 5 ml लेमन वाटर डाल दिया, तो ये क्या हो रहा है, मोल्स पर लीटर, दैट इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन। तो हम जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, ठीक। तो मैं एन ए अपॉन वी को कॉन्सेंट्रेशन दे सकता हूँ, ठीक। तो ए के लिए बोल रहा हूँ, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, हम कॉन्सेंट्रेशन को उसका ब्रैकेट लिखते हैं, हम लिख सकता हूँ पी ए इक्वल टू ए आर टी, क्लियर है, ठीक है। फिर कंपोनेंट बी के लिए क्या आएगा, सेम मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, सिमिलरली वी कैन राइट पी वी इज इक्वल टू बी आर टी, सॉरी पी बी इज इक्वल टू बी आर टी कंसंट्रेशन ऑफ बी, ओके। नाउ पी ऑफ सी, P of C will be equal to CRT for D is equal to DRT, ठीक। इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन वन, इसको बोल दीजिए टू, दीज आर द थ्री फोर फाइव। So these all equations, all the values of 2, 3, 4, 5, I'm putting in the equation 1. So it will be Kp is equal to, what is the value of P? C, CRT, CRT to the power C, DRT to the power D, upon ART, A, B, R, T, B, क्लियर। अब यहां से क्या कीजिए, आप कॉमन निकाल लीजिए C और D को, मैं लिख रहा हूं C
to the power c d to the power d upon a to the power a b to the power b. और यहाँ पे rt raised to c plus d and here rt raised to a plus b. c plus d small letter में, क्योंकि stoichiometric coefficient क्या है, small letter. तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, फिर हमें मिलेगा इस rt को आप ऊपर ले जाइए c, यहाँ डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, याद कीजिए आप लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा था KC, ठीक है. सो आई एम राइटिंग डायरेक्टली KC इनटू R2 RT इनटू RT, ये RT रेस्ट टू C plus D, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, हाँ, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस, ठीक है, दोनों वैल्यू माइनस में हुई. मैं डायरेक्टली इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ और मैं कहता हूँ RT C plus D, आर टी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी. और ये क्या है, एन, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स. यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था आपको इक्वेशन में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले में, नंबर ऑफ मोल. सो के सी इंटू आर टी, सपोज ये एन टू मान लो, इसको इसको एन वन मान लो, तो एन टू माइनस एन वन इज डेल्टा एन, डेल्टा एन इज एन टू माइनस एन वन. So we can write RT to the power delta n, KC into RT to the power delta n, and this is the relation between KC and KP. So according to this formula, we will solve some numericals, okay?